लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भगवान ने दुनिया में बहुत सारे सैंपल्स बनाए, मगर इस फिल्म में आप कुछ ज्यादा ही देखेंगे। ये लीजिए, भरी दोपहर में रेलवे स्टेशन पे टहलता हुआ सांता क्लॉज। लीजिए, हाथ भी मिला रहे हैं। वेरी गुड। कभी सोचा था ये क्या, अब रेंडियर भाई साहब भी आ गए? अरे यार, कोई कॉस्ट्यूम पार्टी चल रही है क्या? ये कहानी वैसे इन लोगों की नहीं है, ये कहानी मेरी है। मेरा नाम बाबा है। बाबा बाबा ब्लैक शीप। बारह की उम्र में तुम पहली बार दिखी, तेरा कथा आंखों ने बांधी। चारा क्या हुए हम, दिल ने दिल को छुआ, पंद्रह पे आगे कुछ कुछ हो गया। ए शब बाबा रूबा शब बेबाबो, ओ मेरी एंजेलिना। शब बाबा रूबा शब बेबाबो, तुझ सा है कोई कहा। इक्कीस से 23 तक बजा अपना मैंडोलिन, मैं हीरो तू हीरोइन, बने डैड तेरे विलेन। 24 से 24/7 था जिस दिन का इंतजार, 25 वे बर्थडे पे मैं कर दुनिया से इजहार। शब बाबा रूबा शबो बेबाबो, ओ मेरी एंजेलिना। शब बाबा रूबा शबो बेबाबो, तुझ सा है कोई कहां। शब बाबा रूबा शबो बेबाबो, ओ मेरी एंजेलिना। लियोनार्डो द विंची, ब्रूगल, रेनुआ, मोने, पॉल सेज़ान, डेलाक्रुआ, कांस्टेबल, सल्वाडोर डाली, पाब्लो पिकासो, फनखाख और ब्रायन मॉरिस। वन थिंग कॉमन, ओनली वन थिंग कॉमन, एंड दैट इज लाइट एंड शेड। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप,
पेंटिंग का सोल है शेडिंग। पहले उसे परफेक्ट करो। आर्ट टीचर है, बदकिस्मती से मेरी हीरोइन के फादर और मेरी लव स्टोरी के विलन। पिक अप द फोन। किसका फोन है? मम्मी का फोन है सर। तुम्हें आर्ट क्लास का रूल पता है, रिसीव द फोन ऑन स्पीकर माय बॉय। हेलो मम्मी। सांबर मेरा आता जमा मटे खानवी ने ढोकला तो बना भी दीता छे, पर तू जेठामलनी दुकान माथी पेलो श्रीखंड तो लेने आऊ ने। मम्मी हूं आर्ट क्लास में छू। अरे तू फिर से आर्ट क्लास में पहुंच गया? उस रिटायर्ड आर्ट टीचर की छोकरी को देखने चला जाता है रोज, पता नहीं इस रिटायर्ड बुड्ढे की इतनी सुंदर छोकरी कैसे पैदा हो गई। मम्मी मैं आपसे बाद में बात करता हूं। जय जिनेंद्र। लेकिन इस डेविल को क्यों रखती हो अपने साथ? पापा, द लव ऑफ माई लाइफ, जिसका खड़ूस बाप नहीं बनने दे रहा इसे मेरी वाइफ। आप हमेशा बाबा के पीछे क्यों पड़े रहते हो? पीछे तो ये पड़ा हुआ है तुम्हारे स्कूल टाइम से। पेंटिंग की सारी क्लासेस अटेंड करता है लेकिन एक स्ट्रेट लाइन तक नहीं खींच सकता। नहीं, लाइन तो मैं स्ट्रेट ही मारता हूँ, आप बीच में आ जाते ना। नो बीच एंड नो रिजॉर्ट, आई एम स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम सेइंग गेट आउट। आई लव यू पापा। आई लव यू टू। बाय पापा। दिस इज नॉट फेयर। इनफ एंजेल इनफ, तुमने अपना टाइम इसके लिए बहुत वेस्ट कर दिया है। अब थोड़ा टाइम डिवोट करो पेंटिंग को, आर्ट को। पिक अप द ब्रश एंड पेंट। फोन, यू नो द रूल। पापा। एंजेल, स्पीकर फोन प्लीज। इज दिस एंजेलिना मॉरिस? यस मैडम, मैं सिटी हॉस्पिटल के प्रेगनेंसी रिसोर्स सेंटर से बोल रहा हूँ। आपने जो टेस्ट करवाए थे उसके रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, कांग्रेचुलेशंस। आप माँ बनने वाली हैं? नो 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 नो। मैं आपकी मुश्किल समझ सकता हूँ, फॉर्म के हिसाब से आप अनमैरिड हैं और बच्चे के फादर हैं कोई मिस्टर बी शर्मा। गिव इट टू मी। हेलो हेलो, हु इज दैट? Who the hell are you? अरे आप कौन बोल रहे हैं? ब्रायन, ब्रायन चार्ल्स अल्फ्रेड मॉरिस। अरे नाना जी, कंग्रेचुलेशंस, आपको तो डबल मुबारक होनी चाहिए, बेटी की शादी, साथ में ग्रैंडसन, कितने नसीब वाले हैं। व्हाट नसीब? व्हाट बेटी की शादी? व्हाट ग्रैंडचाइल्ड? मेरी बेटी की शादी नहीं, तू बता तेरा नाम क्या है? अरे मेरे नाम में क्या रखा है, प्यार से होने वाले बच्चे के नाम के बारे में सोचिए, कुछ भी रख सकते हैं। लव शर्मा, लवली मॉरिस, मैं तो कह रहा हूँ आपकी बेटी भगा के ले जाऊंगा। आई विल किल यू। मंजू शर्मा, मेरी माँ चाहती थी उनकी शादी ना किसी मिस्टर बच्चन जैसे से हो, लेकिन हो गई। खैर जाने दीजिए। 25 साल का हो गया, लाइफ में कुछ करना है कि नहीं करना? कुछ नहीं करना तो कम से कम बाप की तरह काजू ही बेच ले। इसको तो कुछ बोलना ही बेकार है। निकालो निकालो। चारुदत्त शर्मा, मेरे पिताजी गोवा में दो ही चीजों के लिए मशहूर है, खटारा शिकार और बीवी की मार। डैड, ये गांधी जी के बंदर की तरह चुप रहने का इरादा शादी के पहले किया था, ये अपनी गलती कैसा शादी के बाद हुआ है? बाबे, गलती वो जो सुधारी जा सके, जो झेलनी पड़े उसे बीमारी कहते हैं। ये एयर प्लग इसके बाप ने और तेरे नाना जी ने शादी वाले दिन दिए थे और कहा ले बेटा इसे रख ले, काम ही आ सकते हैं, हम बेचा हुआ माल वापस नहीं लेते। मुझे क्या पता था कि पूरा खानदानी साला फ्रॉड है। चिल डैड, इट्स ओके। पर डैड, माँ जो है ना वो बिल्कुल ऐसे और आप जो वो बिल्कुल ऐसे, आप दोनों के बीच में एक्शन तो नहीं होगा कभी? अगर एक्शन नहीं हुआ तो मैं कैसे हुआ? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट 25 साल में एक बार हुआ था। एक्शन। अब डैड, पर एक्शन हुआ कब?
आपको अपनी सिलाइयों से फुर्सत मिले तब ना। क्या बैठे उंगलियां चलाते रहते हो आप? बेटे, मेरे पिताजी और तेरे दादाजी बोलते थे कि उंगलियां चलाने से बवासीर नहीं होती, वो ब्लड प्रेशर नहीं होता, हार्ट अटैक नहीं होता, याददाश्त नहीं जाती। तू भी करा कर। प्लीज मेरी एक्शन मत खराब करो। अब मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है, प्लीज। तेरा बर्थडे ना आज तो तुझे बताना है कि तुझे क्या करना है। हाँ बता सब देना, बर्थडे विश मत करना मुझे आप। हैप्पी बर्थडे डैड, मैं यहाँ हूँ यार। हैप्पी बर्थडे बेटा। आई लव यू डैड। हाँ आई लव यू। ओ बाबे बेल्ट लगा ले, सीट बेल्ट। यार बाबे मत का करो डैड मुझे प्लीज। आपको तो वहां से भागने की जरूरत थी, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? बैठो, मैं आया। डैड कहाँ जा रहे हो? आंखों पे मैग्नीफाइंग ग्लास लगाने के बावजूद ढंग से देख तो पाते नहीं हो यार डैड। कैसी बातें कर रहे हो, चश्मों के बिना गले तो लग जाओ कभी। अरे डैड ये डिक्की है, बोनट नहीं है इस घर। कौन हो भाई? भाई नहीं बाप। एक तो सबको बाप बन। अब समझ में आ गया? एनु इसे एंड फॉलो मी एंड नो क्वेश्चंस। बट पहन के जाना कहाँ है? हेलो मेरे डैड कहाँ है सर? इट्स बैड, यहां से नीचे गिरे तो जमीन पे पहले छपेंगे, अखबार में बाद में। टोपी बदल गई, चश्मा बदल गया, मेरा तो बाप ही बदल गया। सर इससे ऊपर मत लेना प्लीज, ये बंदा चाहता क्या है यार? मुझे लगा मेरा बाप पागल हो गया, पर क्या करूं बाप है, छोड़ भी नहीं सकता। रेड लाइट डैड, ये क्या है? C4 एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव? एक्सप्लोसिव यानी कि बॉम्ब? डैड कभी किसी के घर में घुस रहे हो, कभी बॉम्ब लगा रहे हो? डैड प्लीज आप जिंदगी से परेशान आए होंगे, मैं तो थोड़ा सा बोर हुआ। पाशा आप अपना बैग खोल के दिखाइए। ओपन योर बैग। खोलिए खोलिए प्लीज खोलिए। ए पकड़ो पकड़ो इसको। ए स्टॉप इट। रुको ए रुको 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 स्टॉप। पकड़ो जाने ना पकड़ो। जैकेट उतार। आई सेड जैकेट उतार। ना कोई यूनिफॉर्म ना कोई रूल्स, पर हमेशा ऑन ड्यूटी। चेक हिम, चेक करो, चेक हिम प्रॉपरली, बराबर से चेक करो। सर सर दो मिनट भी देर हो जाती जो शख्स हमारे हाथ से निकल गया होता। सर निकल जाता नहीं, निकल गया। इसकी नीयत भागने की नहीं थी, भगाने की थी। बद्रुद्दीन पाशा एक मामूली सा ड्रग कैरियर। जिस फ्लाइट से आया है ना उसकी पैसेंजर लिस्ट चाहिए मुझे। ओके सर। चाय पीते हो? जी सर। दूध वाली? जी। मिल्क ऑर्डर। सलाम अलैकुम अल्ताफ भाई, वेलकम टू गोवा। अल्ताफ सैयद बद्रुद्दीन का सीनियर, एक और ड्रग कैरियर। सर
आज की दुनिया में अच्छे देखने वाले काम का नतीजा बुरा होता है और बुरे देखने वाले काम का नतीजा अच्छा होता है। एक छोटी सी डिटेल बताना भूल गया, हम कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं 12 पुश्तों से, तुम 13वीं हो। माँ उसको बाहर भेज दिया है। तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? घर में आदत है। हिटमैन की दुनिया में लोग मुझे चार्ली के नाम से जानते हैं। फॉलो मी। बाथरूम में? आई सेड फॉलो मी। डैड, उड़ता बाथरूम? नहीं, गिरता बाथरूम। इतना अंधेरा, डैड डर लग रहा है। हमारे पुरखों का म्यूजियम है, अंडर द बाथरूम ऑफ आवर हाउस। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि हमारा शर्मा खानदान जो है वो हिस्ट्री का एक हिस्सा है। आओ मेरे साथ। सबका मानना है कि जहांगीर ने शेर अफगन को मरवाया था, लेकिन एक्चुअली में किसने मारा था ये कोई नहीं जानता। तो हमारी ये मारने की परंपरा हमारे पूर्व श्री मोहनलाल जी शर्मा ने की थी। आओ मेरे साथ। ये तुम्हारे परदादा श्री द्वारका राजी शर्मा है। कहा जाता है कि 30 अप्रैल 1945 को ये जर्मनी में थे। अब लोगों का मानना है कि जर्मनी में उस दिन हिटलर ने आत्महत्या की थी, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि उस दिन द्वारका राजी जर्मनी में थे। आ मेरे साथ। बाबे डैड, असूलन हम किसी बेकसूर को नहीं मारते, और अगर गलती से हमने किसी बेकसूर को मार दिया तो जिस आदमी ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है हम उसका खून कर देते हैं फ्री में। ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है बेटा, जिम्मेदारी हो जाती है। तो जब मैं 25 साल का हुआ पिताजी ने मारने की जिम्मेदारी मुझे दे दी और खुद रिटायरमेंट ले ली। अब तुम्हारी बारी है। काश आप दादाजी को मना कर देते तो मेरी बारी नहीं आती। मैं समझा नहीं। अब डैड, अब मैं हिस्ट्री का हिस्सा नहीं बनना चाहता। नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं काजू की शॉप संभाल लूंगा, मुझसे लोगों की जान ही ली जाएगी। प्लीज, जान ही ली जाएगी तो मैं अपनी जान लेता हूँ। डैड, 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 क्या कर रहे हैं? डैड, प्लीज, डैड, डैड, प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? कल से काजू की दुकान पे आ जाना। स्टूपिड। सर, ये अल्ताफ के घर पे जो ब्लास्ट हुआ था ना, वहां से हमको ये पैकेट्स मिले हैं। दिस टॉप ग्रेड हेरोइन सर। और एयरपोर्ट से जो माल पकड़ा गया था वो पैकेट्स और ये पैकेट्स, इसमें सेम मार्किंग्स है। और सुनने में आया कि ये अल्ताफ कमाल और जमाल के लिए काम करता है। और आप पुलिस के लिए अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। थैंक यू। नमस्कार, कैसा का है? के होम मिनिस्टर हैं, पर पॉलिटिक्स के अलावा बहुत कुछ करवाते हैं, जैसे ड्रग्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा। डैनियल डिकॉस्टा, बिजनेसमैन, होम मिनिस्टर के पार्टनर इन क्राइम।
कमाल और जमाल, होम मिनिस्टर की ड्रग्स कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा वाली कंपनी के मैनेजर और कॉन्ट्रैक्टर। उत्पल साहब, अल्ताफ हमारा आदमी था, उसे मारने से पहले हमें बता तो देते। हमारे धंधे में एक दूसरे पे भरोसा बहुत जरूरी है। खुशी की बात यह है कि मेरे आदमियों ने पुराना सारा स्टॉक मार्केट में उतार दिया है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कवाल साहब। काम की बातें छोड़िए, पार्टी एंजॉय कीजिए। नरोत्तम, कमाल साहब को प्यास लग रही होगी, शाम को ये चाय नहीं पीते। आओ छोटे। कमाल जमाल को यहां नहीं लाना चाहिए था, यहां लोग हैं, मीडिया है, इलेक्शन भी सर पर है। वो खुद जिद करके आए ये जानने के लिए कि अल्ताफ का कॉन्ट्रैक्ट हमने बाहर क्यों दिया। ये बात किसी और को समझ आती तो मेरी जगह होम मिनिस्टर होता। डैनियल साहब, पार्टी फंड का डोनेशन नहीं है आपका। मेरी टेंडर वाली फाइल आज सुबह ही आपकी टेबल पर पहुंचाई गई है सर। वो काम है। I'll just see you. हाय, आर्ट गैलरी चलाती है और होम मिनिस्टर को दौड़ाती है। Hey, काम्या, what a pleasant surprise. Thanks. मगर यहाँ कैसे है? एक मैसेज ही कर दिया होता। क्या हो पल्ट्री? आपका और हमारा रिश्ता सिर्फ मैसेज का थोड़ी है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मीडिया को तमाम तस्वीरें और MMS दे ही दूँ। मैं रिश्ता जोड़ने की बात कर रहा हूँ और तुम तोड़ने की। मैंने कुछ करने के लिए मना थोड़ी किया है। मनाना करने में और काम करने में जमीन आसमान का फर्क है। और आप तो शायद भूल ही रहे हैं कि ये इलेक्शन ईयर है। मुझे सब कुछ याद है। एक 50 साल पुरानी कीमती पेंटिंग है जो फ्रेंच म्यूजियम से चोरी हुई थी और अब यहाँ गोवा में किसी सेंटा क्लॉज नाम के आर्ट डीलर के पास है, राइट? ये सीधी साधी डील नहीं है स्वीट हार्ट। नमस्कार उत्पल। नमस्कार। थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ऑफ कोर्स, जहाँ टाइम लगाना चाहिए वहां तो आप जल्दबाजी कर देते हैं, और जहां जल्दबाजी करनी चाहिए मुझे बहलाओ मत। मेरी आर्ट गैलरी को वो पेंटिंग चाहिए। काम पूरे होने का डेडलाइन बताओ स्वीट हार्ट। 4-5 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ता, आई प्रॉमिस। और हाँ, एक बात तुम्हें बताना भूल ही गई। अगर मुझे गलती से भी कुछ भी हुआ ना तो ऐसी पार्टी ऑपोजिशन वाले दे रहे होंगे, तो तुम मेरा ख्याल रखना। हेलो। टोपी अच्छी पहनाते हो। अरे उतारता भी अच्छी तरह से हूँ। मुझे ना इस बार वो रेनोर वाली पेंटिंग चाहिए जो सिर्फ आपके पास है। अरे वो मेरे ग्रैंडफादर की निशानी है, मैं उसे किसी भी कीमत पे नहीं बेचूंगा। अरे पैसा तुम जो बोलो वो सेंटा भाई। पर हाँ, टाइम और जगह मेरे है। क्या है ना, इस बार क्रिसमस थोड़ा जल्दी मना देना, क्या बोलते हो? गोवा में बड़ी से बड़ी डील फिक्स करवा सकते हैं, शर्त ये है कि वो इलीगल होनी चाहिए। ओके ओके। Thank you.
आइए एसीपी साहब, बताइए क्या खातिरदारी। अल्ताफ का मर्डर, मेरे कस्टडी में जो आदमी था, मेरे कस्टडी में, उसका मर्डर। जिस दिन मारने वाले का पता लग गया ना, आई शपथ, वारंट का इंतजार नहीं करूंगा मैं। एसीपी साहब, भाई बोल रहा है कि उसे धमकी सुनने की आदत नहीं है और वो बोल नहीं सकता, सिर्फ करता है। इसको बोल कान बंद करने को। फिर वो बदरुद्दीन है ना, कोर्ट के बाहर जो मारा गया, उसके पास जो ड्रग के पैकेट्स मिले और अल्ताफ के घर पे जो ड्रग के पैकेट्स मिले, दोनों की मार्किंग सेम टू सेम। समझ रहे मतलब? इसका मतलब है वक्त के साथ साथ तुम लोग का एड्रेस भी बदलने वाला है। नहीं छोटे, नहीं छोटे, नहीं गुस्सा नहीं। एसीपी साहब का अरे एसीपी साहब, अरे जाने भी दीजिए। अरे इस खेल का मैदान बहुत बड़ा है सरकार, और इसके खिलाड़ी जो हैं सरकार बहुत ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, आप जीत नहीं पाएंगे। करेक्ट बोल रहे तू, इन सामने वाली टीम को ये नहीं पता कि मैं जीतने के लिए चीटिंग कर सकता हूँ। हटो, हटो यहाँ से। कौन है? ये साबुन की टिक्किया क्या दिखा रहे हो? अबे तुझे नहलाने नहीं मारने आया हूं, चश्मा उतार के देख। असली है? फिर चलाऊं? नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जो साहब, तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की एक एसोसिएशन है, और उस एसोसिएशन के रूल के मुताबिक अगर कोई यहां से रिटायर होना चाहता है तो उसी के फैमिली मेंबर को यह एसोसिएशन ज्वाइन करनी पड़ती है, वरना उसे जिंदगी से रिटायर कर दिया जाता है। चूंकि तुमने फैसला किया है कि तुम एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करना चाहते, इसलिए कोई बात नहीं, इस दुकान का और अपनी मां का ख्याल रखना। मैं इस लाश को ठिकाने लगाता हूं। पर डैड, प्लीज, आई वांट यू टू गो फ्रॉम हियर, हरी अप। जोसेफ, वो चला गया, उठ जा। अरे दोस्ती में साला मरवा दिया यार। इतने कान के पास गोली चलाना जरूरी था? कान सुन हो गया मेरा? सुन तो तेरा बेटा हो गया था गोली चला के। शक्ल देखी उसकी? शुक्र मनाओ ये गोली और खून नकली था।
पर तू मरा बड़ा अच्छा। थैंक यू फॉर हेल्पिंग। एनी टाइम। थैंक यू। कैसे हो? मैं ठीक हूं। आप ठीक हैं? ठीक हूं। तुमने गोली सिर्फ मुझे बचाने के लिए नहीं चलाई, तुमने गोली इसलिए चलाई क्योंकि ये तुम्हारे खून में है। जब घर की दीवारों में दीमक लग जाता है तो हम जैसे पेस्ट कंट्रोलर्स को बुलाना ही पड़ता है। डैड, हमारी 12 पुश्तों में किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये काम कानून या पुलिस का है। हाँ सोचा, लेकिन अक्सर कानून और इंसाफ में बहुत बड़ा फासला रह जाता है। हमारे जैसे खानदान का अस्तित्व एक सामाजिक जरूरत है। जिस दिन मुझे इस बात का एहसास हो गया, मैंने अपने पिताजी से हाँ बोल दिया। थिंक अबाउट इट। Gentlemen, sir, it's original. Are you sure? Yes. 100%. Yes. Good. Take your seat. Where are you going, Santa? Oh, yes. Money. Money talks and bullshit walks. I'll pay you 5 crores for this painting. No, sir. Go, little up. 7 crores full and final. But in US dollars. Okay. Is he going to get the money? Okay. Roberto, please help. Merry Christmas. Merry Christmas to you. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ? मैं थोड़ी देर में आऊंगा, असल में मुझे डैड के साथ काजू की शॉप पे जाना है। तुम काजू से शादी क्यों नहीं कर लेते? एंजेलिना, मुझे डैड से आज एक बहुत जरूरी बात करनी है। हेलो हेलो सांता क्लॉज तुम अब भी सांता में विश्वास करती हो? बिल्कुल नहीं करती, इसीलिए जाना पड़ेगा। बाबे बेल्ट लगा ले। बाबे मत बोला करो यार। डैड, मैंने सोच लिया, मैं ट्रेनिंग के लिए तैयार हूं। सांता खुशियां बांटता है, लोगों को लूटता नहीं है। Have some shame. चलते चलते शेम कर लूंगा यार, रुका तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। कम ऑन। आपने फिर से नकली पेंटिंग बेची ना? अरेस्ट हो गए तो सजा असली मिलेगी। सांता क्लॉस को, ब्रायन मॉरिस को नहीं। यू डोंट केयर अबाउट मी नो पापा? ऑफ कोर्स एंजल, आई लव यू बेटा। ये जो मैं कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि कुछ पैसे जमा करके धूमधाम से तेरी शादी कर सकूं। पैसे तो इतने जमा कर चुके हो कि 10 शादियां करवा सकती हो मेरी। और वैसे भी मैं शादी करूंगी तो बाबा से ही करूंगी। That काजू डीलर सन, no way, सिंड्रेला की शादी बाबा ब्लैक शीप से नहीं हो सकती। पापा, अगर आपकी हरकतों की खबर बाबा और उसकी फैमिली को हो गई ना तो क्या सोचेंगे? और अगर मैं खुद ही जाके उनको बता दूं तो पीछा छूट जाएगा ना। Well done.
जेम्स बॉन्ड। मैंने क्या किया? बाबे, हमारा धंधा देखने पर नहीं छिपने पर चलता है। हाँ? राम जी से पंगा लेके रावण की मति मारी थी। राम जी से पंगा लेके रावण की मति मारी थी। सीता मैया को हर बैठा उसकी यही बीमारी थी। सीता मैया को हर बैठा उसकी यही बीमारी थी। जल गई लंका बज गया डंक हो गया रावण ढीला। जल गई लंका बज गया डंक हो गया रावण ढीला। ये राम की लीला बंधु। ये मिस्टर हुजा है, जमीनें हड़पना इनका काम है, और ये मिसेस अहूजा है, लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन करवाती है। हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे के लिए हिट दे दिया है। अच्छा, मतलब 50% एडवांस तो आएगी होगा। हाँ, लेकिन जिसको पहले मारेंगे उसके बाकी का 50% लेने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तुम्हारा पहला हिट और तुम्हारा पहला इम्तिहान ये है। सॉल्व इट, सॉल्व इट। तीनों लोक लिए कब्जे में रावण जब हुंकारा था। तीनों लोक लिए कब्जे में रावण जब हुंकारा था। तीर कमान चले थे निरंतर राम से रावण हारा था। तीर कमान चले थे निरंतर राम से रावण हारा था। जल गई लंका बज गया डंक हो गया रावण ढीला। जल गई लंका बज गया डंक। इसे क्यों मारा? उसकी वर्दी ने उसकी जेब देखो। ये राम की लीला बंधु। डट डट डट, नहीं, होने वाले ससुर हैं यार। तेरी शादी होने से रोक रहा है। यही तो राम लीला। My wife, मुझ पे कॉन्ट्रैक्ट निकाला उसने। मुझे पता था वो ऐसा ही कुछ करेगा, लेकिन मारने का कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले मैंने दिया है। आपकी बीवी को मारने के बाद तो हम आपको मार ही सकते हैं ना? जो के आपके हस्बैंड को मारने के बाद उनसे बाकी 50% लेना इम्पॉसिबल है, और वही 50% आपके जिंदा रहने की कीमत है। इसलिए उन्हें दिखाने के लिए आपकी लाश की एक फोटो चाहिए। सिर्फ फोटो? उधर फोटो दिखाकर हमको पूरा पैसा मिलेगा, और फिर हमारा आदमी अपना काम पूरा करके असली लाश की फोटो हमें भेजेगा। प्रेजेंटिंग मिस्टर हुजा, लेट मिस्टर हुजा। फाइनली। अब आप ही बताइए, आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? पैसे देके, दैट्स द बेस्ट वे। आपकी फीस जमा हो चुकी है, आज के बाद आई होप आई नेवर सी यू अगेन। यू विल नेवर सी मी अगेन, and that's a promise. हमारा एक साथ देखा जाना ठीक नहीं है। आप लिफ्ट से चलिए, मैं सीढ़ियों से आता हूँ। ओके। स्टार्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
कुछ दिनों से पब्लिक मर्डर्स से घबराई हुई है। अगर एक आध हिटमैन पकड़ा जाए तो? मैंने तो पहले ही कहा था कि अल्ताफ को कमाल या जमाल से मरवाओ, फिर इनको पुलिस से पकड़वाना कितना आसान होता। नहीं नहीं नहीं, फिलहाल उनसे हमारा काम निकलता है। नैनल से कहो कि इलेक्शन फंड्स का डोनेशन भेज दे। सर, डोनेशन देने के लिए उसे सिग्नेचर की जरूरत होगी। लगता है आपको मेरे बारे में कुछ गलत फहमियां हैं, बट डोंट यू वरी, आज रात को आपकी सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। अब क्या हुआ? क्या हुआ? ज्यादा बनिए मत। अगर आप मुझे पेंटिंग की कॉपी दे सकते हैं तो मैं आपको तस्वीरें और MMS की कॉपी तो दे ही सकती हूँ। पेंटिंग की कॉपी? उत्पल जी, जिन लोगों को मैं नहीं जानती उन लोगों पर मैं कम भरोसा करती हूँ, पर जिन लोगों को मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से, उन पर तो मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करती। यू वॉच आउट। मिलने का टाइम तो है नहीं तुम्हारे पास, रिंग अंदर रखो, कमिटमेंट की बात करते हो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? पहले तुम्हारे लिए टाइम ही टाइम था, तब तुम्हें सेटल होने का प्रॉब्लम था, अब सेटल हो रहा हूं तो तुम्हें टाइम का इशू है। एंजेलिना, एक काम क्यों नहीं करती, रोमांस का टाइम टेबल तुम्हें बना, मैं बस फॉलो करता जाऊंगा, प्लीज। टाइम टेबल? मुझे अपना फ्यूचर साफ दिखाई दे रहा है। तुम लव की क्लास में अटेंडेंस देके चले जाओगे और मैं टीचर बनके खाली क्लास को पुराने रोमांस किस्से सुनाऊंगी। मुझे भी मेरा फ्यूचर साफ नजर आ रहा है। डैड से वसीयत में एयर प्लग्स लिखवाने ही पड़ेंगे। डैनियल साहब, अनु, रस्सी की अगर मजबूती टेस्ट हो गई हो तो मैं नीचे आ जाऊं? हैं? क्यों मेरे साथ टार्जन टार्जन खेल रहे हो? खेल रहा हूं इसलिए तू जिंदा है पिक्सर। तेरे मिलवाए हुए आदमी ने बहुत नुकसान करवाया, अब मुझे असली पेंटिंग, पैसा और वो आदमी भी चाहिए। बता उसका नाम क्या है? संगता। मैं तो वहां पे सिर्फ टोपी लटकाता हूं, वो मुझे खुद फोन करता है। आई शपथ, मैंने तो आज तक उसकी शक्ल तक नहीं देखी। डैनियल साहब, मेरे एक आइडिया सुन लीजिए। वो क्या है ना, उसे किसी नई पेंटिंग कॉपी करने के लिए बहुत सारे पैसों का ऑफर दीजिए तो वो आपको मिलने आ सकता है। हाँ। Is this the painting you want me to recreate? Okay, very well, thank you. सेम रिएक्शन था मेरा इस नकली पेंटिंग को देखकर। चल, जिंगल बेल्स गाते हुए बता कि असली पेंटिंग और पैसा कहाँ है। Is it going to pato or no pato? Pakdo in dono ko. Pakdo. Come on, Maya. Hang on, Jio. You're not. अबे पकड़ लिया सर, मैं हूँ सर। अरे कौन तुम यार? पासपोर्ट नंबर आधार कार्ड क्या है तुम्हारा?
सामान। Where are you taking me? Angel? मिल गई बिना पैसे की रिटायरमेंट। How come you're here? और ये कौन है? बाबा? मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। बाबा को सब कुछ बताना पड़ा। आज सुबह जब मैंने आपको सांता के कॉस्ट्यूम में घर से निकलते देखा, तो मुझे फीलिंग आ रही थी कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसीलिए बाबा को बुलाया मैंने। रेंडियर की कॉस्ट्यूम में? आप वो सब छोड़े और मुझे ये बताएं आप पार्ट फोजर कब बने? तुम व्हाइट वैसे अच्छी कर लेते हो। अरे यार, नकली पेंटिंग्स लाइक रियली। वैसे एक बात कहूं, काजू की दलाली में कितना कमा लेते हो? जॉइन मी यंग मैन, कमीशन दूंगा, लॉर्ड्स ऑफ मनी। कमीशन? अभी जिसने आपकी जान बचाई है उसी की जान खतरे में डालने की बात कर रहे हो? यार ये सही में तुम्हारी रियल पापा है? लाइक रियली? जी जी जी, आर्ट फोजर। होम स्वीट होम। काजू डीलर बना रहा तो लाइफ हेल, इसलिए स्टंटमैन बन जा, लाइफ बन जाएगी। रिंग है? रिंग? रिंग फॉर व्हाट? एंगेजमेंट रिंग है कि नहीं है? एंगेजमेंट किसकी, किसके साथ? मेरी बाबा के साथ। ओह नो। हनी, पर एंगेजमेंट ऐसे कपड़ों में? आई मीन आई डोंट केयर, निकालो। नो 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 नो, नॉट वन वर्ड। अरे कॉस्ट्यूम नहीं, यू इडियट। रिंग? नहीं नहीं, ढूंढ। हम एक सेकंड, एक सेकंड। ऐसे नहीं हो इडियट, पहनाओ। Oh. अभी कुछ उल्टा बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। No. स्टंटमैन बना रहे थे, आशीर्वाद दो। That's not fair. No, 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 मेरी बेटी के साथ मेरे सामने। अरे तो आप भी आ जाओ। जिंदगी ना खराब कर दी मेरी दत्तू जी, काम कर करके ना मेरी कमर टूट गई है। इस घर में किसी को कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। अजय की नौकरी ला दो। आ गया तू, खाना तो खाएगा नहीं ना? नहीं। दिमाग खा ले, जान खा ले मेरी। डैड, करो 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 करो। डैड निकालिए, निकालिए। डैड एक गुड न्यूज है। मेरे पास भी एक गुड न्यूज है। अच्छा? हाँ। आपकी गुड न्यूज किस बारे में? मेरे धंधे के बारे में। धंधे वाली? हाँ। एक काम करिए, पहले आप बताइए। ओके, एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मुंह मंगी फीस भी मिल रही है। सीधा एक्शन पे आइए। ओके, एक सेंटर क्लास नाम का आर्ट डीलर है, उसको ढूंढना है, उसको मारना है। क्या हुआ, कोई भूत देख लिया? नहीं डैड, अपना भविष्य देख लिया। डैड, मैं बर्तन धो रहा हूं, बर्तन धो रहा हूं। बर्तन नहीं धोने, बर्तन नहीं धोने। डैड, वो एंजेलिना का बाप है, मिस्टर मॉरिस। फैंटास्टिक, कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं और तुमने पहले रिसर्च कर लिया, वेल डन। डैड, हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते। हा? वो मेरा होने वाला फादर इन लॉ है। करेक्शन, वो फादर इन लॉ बनने के लिए तैयार नहीं है। और पापे, वो बेकसूर नहीं है, ये तू भी जानता और मैं भी जानता हूँ। और फिर वो मुंह मांगी रकम मिल रही है यार, उन पैसों से मैं तेरी धूमधाम से शादी करूंगा। समझ लेना कि आर्ट टीचर ने तुझे दहेज में जाने से पहले सब कुछ दे दिया। डैड प्लीज, मेरा शादी से पहले डिवोर्स कराओगे? आपको जितना आसान लग रहा है ये मामला उतना आसान नहीं है। बर्तन धो रहा हूँ, तू बर्तन धोने जा रहा है। दत्तू, 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 जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं। दत्तू, दत्तू, इससे कहीं ज्यादा पैसा लगेगा अपोजिशन को तोड़ने के लिए। मार्केट में ड्रग्स की सप्लाई बढ़ा दो। ड्रग का धंधा आपकी नहीं, बाजार की जरूरत से चलता है। गोवा में हर बाजार मेरे इशारे पर खुलता है। अगर बाजार ही बंद हो गया तो आपको अपनी दुकान कहीं और ले जानी पड़ेगी। कमाल साहब, सर, एसीपी नायक। अब आप लोग मुझे ये बताने की तकलीफ करेंगे कि अपने साथ एसीपी शिवराज को लाने की जरूरत आपकी थी या बाजार की? सर, एसीपी नायक सर। हाँ, नायक, शिवराज नायक। क्या बात है, शहर से इतनी दूर यहां? और मेरे ख्याल से ये तुम्हारा एरिया भी नहीं है। नहीं नहीं सर, ये मेरा एरिया नहीं है, इनको फॉलो कर रहा था मैं, यहां पहुंच गया। लेकिन ये एरिया आपका है ये मुझे मालूम नहीं था सर, आज पक्का हो गया।
सुना था कि तुम अपना काम बड़ा सीरियसली करते हो। यस सर, थैंक यू सर। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अच्छे लोग नहीं है सर। ड्रग्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये सब काम बहुत सीरियसली करते हैं लोग। आप इनके कार की डिक्की चेक करवाएगा, ड्रग्स मिलेंगे आपको। मैं इनको अरेस्ट कर लूँ सर, मतलब अगर आपकी परमिशन हो। अरेस्ट? हाँ सर। किसे? यहाँ तो मेरे और मेरे नरोत्तम के अलावा कोई है ही नहीं। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ओ ठीक है सर, तो हवा में गोली चला देता हूं, मत जा। सीधी बात बोलूं सर, मैं इन दोनों गलतफहमियों को अरेस्ट कर लेता हूं माल समेत, और मैं भूल जाऊंगा कि आपकी प्रॉपर्टी अरेस्ट किया है। ओके चला। नहीं एसीपी, तुम बिल्कुल मत भूलना कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। अब सीधी बात मैं बोलूंगा, पुलिस में होम मिनिस्टर को सैल्यूट करोगे तो तनख्वाह मिलेगी, गलत गिरफ्तारी करोगे तो ट्रांसफर। नाउ जस्ट सैल्यूट मी एंड गेट आउट। हम दोनों एक ही टाइप के लोग हैं सर, रूल्स रेगुलेशंस कायदा कानून कुछ फॉलो ही नहीं करते हम लोग। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। और जहां तक ट्रांसफर की बात है ना सर, आपका भी हो सकता है ट्रांसफर अलग टाइप से, और तनख्वाह तो मुझे चाहिए इसलिए सैल्यूट। ब्रायन मॉरिस को कौन जानता है, और जब जानता ही नहीं है तो पकड़ेगा कैसे? अच्छा क्यों, ब्रायन मॉरिस को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है? ओ मेरे डॉन पापा जी, ये लोग ना 11 मुल्कों की पुलिस से ज्यादा खतरनाक हैं। पापा, जस्ट फॉर सम टाइम, आपको हमारे एंडमैन वाले घर चले जाना चाहिए। आई विल नॉट लीव विदाउट यू एंजल, नो वे। तुमने एक बार पापा की जान बचाई, बार बार नहीं बचा पाओगे। मैंने बहुत सोचा, मुझे भी डैड के साथ अंडमान जाना पड़ेगा। मैं तो पहले कह रहा था कुछ दिन के लिए शहर छोड़ के चले जाओ। मुझे पता नहीं हम वापस कब आएंगे। That's not gonna change. मतलब वापस नहीं आएंगे तो हमारा क्या होगा? एंजेलिना, एंजेलिना, छटके ना जा कुड़िए कोत मेरे बह जा, दिल तेरे बिन सुना लगता दिल विच आके रह जा। जे तेरे दर्शन ना होवे रोवन मेरी अखा, रांझा तेरा दर्दी होया दर्द नू किथे रखा। हीर 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 तैनू तकदा रावा, हीर 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 तैनू तकदा रावा। जे दूर तू जावे मैनू चैन आवे, सुन ले दिल दे तू सदा। ओ एवें छटके ना जा कुड़िए कोल तू मेरे बह जा,
दिल तेरे बिन सुना लगता दिल विच आके रह जा। सच कहना मैं गल्लां विच्चों जिक्र तेरा ही करदा नाम तेरा ले लेगे जूंदा तेरे उत्ते मरदा हीर 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 तेनू तकदा रवां जे दूर तू जावे मैनू चैन ना आवे सुन ले दिल दी तू सदा सर डैनियल इलेक्शन फंड का डोनेशन नहीं आया अब तक। इलेक्शन फंड का चेक मेरी टेंडर वाली फाइल का वेट कर रहा है उत्पल जी। आपकी फाइल और मेरी पेंटिंग दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है डैनियल। पेंटिंग आपका पर्सनल काम है, इसे धंधे से मत मिलाइए। आपका सो कॉल्ड धंधा मेरे पर्सनल कामों पर ही टिका हुआ है। ये पेंटिंग मेरे लिए जितनी जरूरी है मैं उससे कहीं ज्यादा आपके लिए जरूरी हूं। अभी फिक्स सर। अगर सेंटा नहीं मिला ना तो तेरा भी साथ साथ मेरी क्रिसमस कर दूंगा। मैं आपकी और मेरी जरूरत समझता हूं उत्पल जी। यकीन मानिए मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं है। बात कोशिश की कमी की नहीं, रिजल्ट्स की हो रही है। बहाने बेवकूफ बनाया करते हैं। मुझे एक्सक्यूजेस नहीं, सेंटा चाहिए। बहाने बेवकूफ बनाया करते हैं। सेंटा मुझे मिल जाए तो मैं ही ना मार दूं उसे। उस औरत का जितना मैंने इस्तेमाल नहीं किया उससे कई ज्यादा वाफ का कर रही है उत्पल जी। अब ये बेवकूफी है या फिर समझदारी? सर हेलो, डैनियल की हेड लगानी है। क्या डैनियल जी? अभी चुप, होल्ड कर एक मिनट। आपको नहीं सर, ये काम उसी से करवाना जिसने अल्ताफ को मारा था। ओके सर। उत्पल जी आप लाइन पर हैं? पूरा पैसा एडवांस अभी। गेट इट डन। ओके सर। ओके बात तो आप ठीक कह रहे हैं डैनियल। गलती किसी से भी हो सकती है, बस गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। जल्दी कर, तेरे पास वक्त बहुत कम है। ये तो वक्त ही बताएगा सर। हेलो हेलो सर 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 इट्स ओके सर, आप भी सर सर मैं आपके साथ हूँ सर। अरे सुन मेरी बात तो सुन यार, कमाल कर रहा तू। सुन सुन, ये जो होम मिनिस्टर है ना उत्पल, बॉलर और बैट्समैन दोनों पे दाव लगा रहा है। जानता है क्यों? गेम जीतना है ना उसको।
कुछ सीख उससे यार। Yes, फिक्सर उसका नाम होना चाहिए। तू कौन सा फिक्सर है सर? You are right sir. फिर होम मिनिस्टर को पकड़ना चाहिए था ना सर? क्यों मेरे साथ स्पाइडरमैन? उसको पकड़ के कोई फायदा नहीं है दोस्त। क्यों सर? उसका तो मैं ट्रांसफर करवाऊंगा। ओ तू तेरा बोल। नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना तेरे को? यस। तो नया पैसा भी मिला होगा? पैसा? पैसा बस पैसा वो चार्ली चैपलिन नाम के ऑफशोर अकाउंट में ट्रांसफर होता है सर पैसा। अच्छा यस सर। अब वहां से फिर? नो आईडिया सर। जाऊं ऊपर जाऊं? नहीं सर। नहीं नो सर। नो सर। नो सर। नहीं सर। नहीं थोड़ा थोड़ा सर। एक कॉल आ रहा है सर। ये फाइल डेनल तक पहुंचा दो और उससे इलेक्शन फंड वसूल कर लो। सर मगर अभी तो आपने उस पे मुझे उस इंसान से एलर्जी हो गई है, उसके पैसों से नहीं। अपोजिशन को फंड करने का इरादा है उसका। जॉनी से कहना कि डेनियल आने वाली कार्निवल पार्टी में मरना चाहिए और इस हिट की कीमत 5 गुना होगी। सर आपने अभी अभी कहा कि अल्ताफ को मारने वाला ही चाहिए, क्यों? क्योंकि इज द बेस्ट इन द बिजनेस। छोटे चारे से बड़ी मछली नहीं पकड़ी जाती। इलेक्शन फंड आएगा, डेनियल मरेगा और हिटमैन पकड़ा जाएगा। नरोत्तम, मैं वोटिंग से पहले इलेक्शन जीतने की तैयारी कर रहा हूं। चार्ली चैपलिन वो बिल्डर आहूजा और उसके बीवी के बैंक रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो इसी नाम का एक ऑफशोर अकाउंट है, उसमें ट्रांसफर हुआ है पैसा। फिर ले 10 तारीख को फिर से चार्ली चैपलिन। अल्ताफ 12 तारीख को मारा गया था ना? साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे पास सिर्फ हवाले का पैसा आता है साहब। यहाँ से पैसा कौन लेके जाता है और कब लेके जाता है? मैं तो आज भी उधर पैसे छोड़ने जाने वाला था साहब। तो जा ना। जा चुका हूँ। वो आर्ट गैलरी वाली लड़की थी ना, वो होम मिनिस्टर को ब्लैकमेल कर रही थी उस पेंटिंग के लिए। अब कितने देर तक मेरे साथ झूला झूला खेलोगे? अब तो उतार दो। डैनियल का कॉन्ट्रैक्ट सेंटा पे तो समझ में आता है, लेकिन उत्पल का कॉन्ट्रैक्ट डैनियल पे मींस आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। और आने वाली कार्निवल पार्टी में उसको मारने के लिए 5 गुना पैसा और साथ ही में स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस। वही हिटमैन चाहिए जिसने अल्ताफ को मारा था। क्यों? बिकॉज ही इज बेस्ट इन द बिजनेस। लेकिन अल्ताफ का हिट भी उत्पल से ही आया है। नो 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 नो। एक एसीपी शिवराज का हमारे लॉकर तक पहुंचना और कार्निवल पार्टी की जो सिक्योरिटी है
उस टीम को भी लीड कर रहा है एसीपी शिवराज। अब कुछ कुछ समझ आ रहा है। होम मिनिस्टर आपको पकड़वा के मीडिया और पब्लिक की नजरों में हीरो बन जाएंगे, इलेक्शन जीतना चाहते हैं लगता है। उत्पल, इनडायरेक्टली आपका कॉन्ट्रैक्ट एसीपी शिवराज को दे रहा है और इसका पता शायद एसीपी साहब को भी नहीं। गुड प्लान। चार दिन के लिए मैं बाहर क्या गई? पूरे घर का सत्यानाश करके रखा है, सारा सामान यहाँ हो सकता है घर का मेरे बिना। बस तू हाँ, टोपी चश्मा कहाँ है तुम्हारा? एक ही बाथरूम में तीन तीन लोग क्या कर रहे थे भाई? हाँ क्या है ये सब? बाथरूम से क्यों निकल रहे हो तुम तीन? कौन हो भाई, कौन हो तुम? अरे भाभी जी प्रणाम। नहीं नहीं माँ, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं। ये क्या क्या हो रहा है? चार दिन के लिए मैं बाहर क्या चली गई? तुम दोनों ने तो फैंसी ड्रेस शुरू कर दी घर में। आप लोगों ने इन्हें बताया नहीं कि आप लोगों का असली धंधा क्या है? असली धंधा? क्या बकवास की जा रही है? नहीं नहीं माँ, भाभी जी ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स है, पैसे लेके लोगों को मारते फ्लैश मीटिंग में। भाभी जी खींच के ना मैंने मारना है तेरे को, समझे? छोड़ो जी ये पकड़ो, आपके हाथ में ना ऊन से लाइयां ही सूट करती है। जब से गई हूँ वैसे के वैसे बनाए नहीं आपने। क्या हुआ? अब ये बेहोश होने वाली है। डैड, वन टू वेरी गॉन। दत्तू दत्तू मैं तेरा दत्तू, दत्तू मैं तेरा दत्तू, दत्तू 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 मैं तेरा चार्ली। दत्तू 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 चार्ली दत्तू चार्ली दत्तू चार्ली दत्तू मर जा। पहला बैग किधर है? मेरे को नहीं मालूम। किधर है वो बैग? किधर साहब? मेरे को नहीं मालूम साहब, मेरे को नहीं मालूम। 24 घंटे से मेरी नजर है इस लॉकर पे, तू जेड़ा समझता मेरे को? नहीं नहीं साहब, मेरे को नहीं मालूम साहब। मेरा काम तो खाली डिलीवरी करने का ना साहब, वो किधर गया दूसरा बैग मेरे को नहीं मालूम। आई शपथ मेरे को नहीं मालूम साहब। ए बाप ऐसा कहाँ? लॉकर नंबर 18 का पैसा 36 से भी निकाला जा सकता है। हकुल ना? हाउ आर यू चार्ली? मैं चार्ली नहीं पर बात करा सकता हूँ। नमस्कार। नमस्कार चैपलिन साहब, इकड़े नमस्कार। नमस्कार। अरे डैड एक नमस्कार। नमस्कार ये है चार्ली चैपलिन। हाँ। जिनके आंख नाक पैर हाथ सबकी एक्सपायरी डेट की एक्सपायरी हो चुकी, लुकिंग लंदन गोइंग टोक्यो, महान कॉन्ट्रैक्ट किलर ये।
नहीं नहीं क्या मतलब क्या मेरे को क्या येड़ा समझ कर रखा है हैं? या फिर वो डीसीपी और उत्पल येड़े मेरे को और 100 पुलिस वाले को लगा दिए इनको मारने के लिए कार्यमल पार्टी में यार भाड़े पे ले क्या करे बुड्ढे को इतनी गर्मी में टोपी बिना के बैठा था एम्बुलेंस बुला पापा जी को घर ले जा जा मुझे क्यों मारे इसको बताया नहीं कि मैं तेरा दादा नहीं तेरा बाप हूं सॉरी नॉट बैड फॉर अ ओल्ड मैन यार प्लान क्या है होम मिनिस्टर का इलेक्शन जीतने का प्लान ये है कि डैड डैनियल को मारेंगे और आप डैड को जमाल को वीआईपी पास दिया गया वो डीसीपी ने दिया उत्पल के थ्रू मतलब मैं अगर इनको आपको अगर नहीं मार पाया तो जमाल ठोक देगा जमाल के बारे में बताने के लिए शुक्रिया मैं डैनियल को मारूंगा लेट द गेम्स बिगिन नमस्ते डैड आप ही को कर रहे थे बेटा वो अच्छा है मस्त है एकदम प्लान जरा डिटेल में बता और एसीपी साहब हमारा एक फैमिली रूल है मैं और डैड कोई भी काम फ्री में नहीं करते ओ ओके फिफ्टी परसेंट एडवांस 50% काम होने के बाद ओके एंजल पापा आई एम लीविंग बाय पापा डैन मॉरिस हेलो हाय अन्ना अरे चल ना यार चल 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 पापा वेट अगेन वेट वेट स्टॉप और आई शूट एंजल डोंट शूट व्हाई नॉट ये गन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की है गोलियां उससे भी ज्यादा पुरानी है चलेगी कि फटेगी आई रियली डोंट नो आई विल जस्ट शूट चल लड़की से बंदूक हटा मैंने कहा लड़की से बंदूक हटा इस बुड्ढे का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है तू भाग यहां से होल्ड इट तू मुझे किडनैप करने आया ये तुझे किडनैप करने आया इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड यार म्यूचुअल सेटलमेंट करके डिसाइड क्यों नहीं कर ले अरे यार आप दो मिनट के लिए चुप क्यों नहीं रहते मैं जेएनयू का स्टूडेंट रहा हूं चुप नहीं रह सकता अरे चल मैं सच्ची गोली मार दूंगी आई एम टेलिंग यू एंजेलिना पापा तू क्या देख रहा है तू तो अपना काम कर डोंट शूट उन्हें सांता क्लॉज की आइडेंटिटी मैंने ही बताई थी मेरी लाइफ में सारे आदमी अबनॉर्मल क्यों हैं? पापा को पता ही है सब तुमने देखा नहीं कितनी खुशी खुशी किडनैप हुए वो Retired art teacher, but active con man. Mr. Daniel को नकली पेंटिंग क्यों बेची? बोल। गलती हो गई मेरे को बोर गिव करने का माफ करा। असली पेंटिंग और डैनियल साहब का पैसा किधर रखा है बोल मेरे पास सेफ है कौन सा सेफ में मतलब सेफ नहीं ला ला लॉकर में है कभी सेफ बोलता है कभी लॉकर बोलता है नाइस वेरी नाइस इतनी अच्छी एक्टिंग के लिए शूट हिम थ्राइस मुझे मेरी पेंटिंग और पैसा दोनों चाहिए
उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि तुझे कितना मारना है या फिर मार ही देना है। मिस्टर डैनियल, मेरी लाइफ से भी ज्यादा प्रेशियस पेंटिंग एंड माय गॉड मनी, वो सब लॉकर में है। लॉकर कहाँ है? रेलवे स्टेशन पे। लॉकर का नंबर, उसकी चाबी? वो मेरा अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम है। मैं जब सेंटा के कॉस्ट्यूम में जाएंगा, मेरा एक असिस्टेंट आके मुझको चाबी देगा। बट मिस्टर डैनियल, आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ, इसलिए आपका जो ट्रस्टवर्दी है ये तो इंटरनेशनल आइसिस है, लेकिन ये लोकल सेलिब्रिटी है, इसे ही हमारे साथ भेज दीजिए प्लीज। क्या कमाल है, सब कुछ है ना, ड्रग्स पैसा वगैरह? एसीपी साहब, ये सब मेरा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ चल, तेरे को जेल छोड़ के आता हूँ। अरे मैं बोल रहा हूँ, सब सामान मेरा नहीं है, जेल छोड़ के आता हूँ। अरे मुझे ना मेरा ये प्लान है, ना मेरा ये बैग है, ना मैंने इसे मारा है। अरे सुन ना, मेरी बात सुन, उत्पल तेरे को छुड़वा देगा ना, मेरे को मेरी ड्यूटी करना है। चल ले उसको। ओ इकड़े स्ट्रेचर, सांस ले ले, मर जाएगा सेंटर क्लास। अरे एक मिनट, इनको ले जाओ, छोड़ के। सर सर, अनीता मिश्रा फ्रॉम माय टीवी। अनीता मिश्रा फ्रॉम माय टीवी, हाउ आर यू सर? हाउ इज एवरीबॉडी? सर व्हाट अबाउट द ड्रग्स? एवरीथिंग ओके? फैमिली ओके? फैमिली ओके? ओके सर। ड्रग्स सर, व्हाट इज दिस? अरे यार, यहाँ कहाँ उतार दिया, घर तक तो छोड़ दे। थैंक यू उत्पल साहब। अबे तू यहाँ? क्या करूँ यार, कॉन्ट्रैक्ट मिला था, 100 रुपये एडवांस, और 100 रुपये काम खत्म होने के बाद 200 रुपये से ज्यादा औकात नहीं है ना तेरी। Oh.
so much. Excuse me, please. Thanks, Baba. Who are you? वो होम मिनिस्टर साहब की तरफ से आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशंस? I mean, वो जो देते हैं वो क्या देते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्स. कॉम्प्लीमेंट्स. Can I kiss you? This is an original. Oh my God. Sorry, excuse me. इससे कैसे पता चलता है कि ये पेंटिंग ओरिजिनल है? यूवी रेज़, तुम नहीं समझोगे. But this is here. Fantabulous. Very good, very good. वो होम मिनिस्टर साहब का भी कुछ ओरिजिनल सामान आपके पास पड़ा है अगर वो आप. Of course. भूली नहीं मैं. कहाँ गई? У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью ученый все ходит по цепи кругом идет налево, песни заводит, налево сказки говорит. Утпал жи се кахиега. Thank you for everything. Токла хлиб. आप उसे वापस लौट आ रही हैं। क्या ये सच है? What are you guys doing here? Who's got you here? हमें जवाब चाहिए। Who's got them here? ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और वो पुलिस वाला भी जानता है. इट्स अ ट्रैप. डैनियल का कॉन्ट्रैक्ट हम वहां बिना जाए भी पूरा कर सकते हैं. अब तो एक कॉन्ट्रैक्ट होम मिनिस्टर की नाक के नीचे ही पूरा होगा. ये सीढ़ी रख ले. उत्पल को बर्बाद करने के लिए सीढ़ी काफी है और मैं जिंदा रहा तो काम से रिटायर हो जाऊंगा और नहीं रहा तो जिंदगी से. ये अच्छी खासी थ्रिलर फिल्म में इनको ये इमोशन मानने की क्या जरूरत है? मौका चाहिए ने बाबूजी बनने का. डैड, बट आई लव यू यार. एक मिनट. आई ऑल्सो लव यू बेटा. डैड कहाँ जाते हो यार? मैं यहाँ हूँ यार. मेरे बच्चे. लव यू. मेरे बच्चे. मिनिस्टर साहब बस अब पहुंचने ही वाले हैं और ये कार्निवल पार्टी उनके बगैर बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं थी. तो आप लोगों से गुजारिश है कि उनका तालियों से वेलकम किया जाए. थैंक्स फॉर कमिंग. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग. दरअसल हर साल कार्निवल की यह एनुअल पार्टी डैनियल साहब की वजह से पॉसिबल हो पाती है, इसलिए तालियों के हकदार ये हैं, मैं नहीं.
अब मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब एंजॉय। हो साहब, तू लेगा कि मैं लेगा? मैं लेता ना साहब। चल लगी हजार हजार की। क्या साहब, ऐसा बोल बोल के तो आपने मेरी जेब खाली कर दी। चल तू ले ले। अंकल जी, जब दिखता नहीं तो घर से अकेले निकलते क्यों? आइए मैं करा देता हूँ। हाँ, ओके। अरे इधर नहीं, उधर आइए। Power brings us to birth. Your providence guides our lives, and by your command we return to the dust. Through this holy anointing, may the Lord accept Brian Morris to his heavenly kingdom and bless his family with the strength to bear this loss. For I am convinced that neither death... कमाल का काम मैंने कर दिया। मेरा balance 50%. लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये उत्पल का काम तुम लोगों ने वाया जमाल कैसे कर दिया? एक दूसरे को मत देखो, मुझे बताओ। ये मौत आइकोनिक नाम के जहर से हुई है, जो एक अफ्रीकन प्लांट में पाया जाता है, जिसका नाम है मॉन्क्स वुड। ये मर्डर वेपन है। अफ्रीकन
wretched. Poison. Oh, it's fantastic. Thank you. Unta moa fini. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost. In the name of our Lord, Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. मैंने नोटिस किया कि पड़ोस वाली शीला फूट फूट कर रो रही थी. मुझे नहीं मालूम था उसके हार्ट में मेरे लिए इतनी फीलिंग्स है. आपके लिए फीलिंग्स तो उन सभी में होंगी जिनको आपने नकली पेंटिंग्स बेची. मारने वाली फीलिंग्स, इसीलिए सांता क्लॉस को मारना पड़ा. भाई चारू, तुमने मेरी पेंटिंग क्यों दे दी? क्योंकि मैंने कहा था अब आपको आनंदमन वाले घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मरने के बाद आप यहाँ जिंदा नहीं घूम सकते. What are you laughing at? नहीं. अगर मुझसे शादी करनी है ना तो ये फैमिली बिजनेस बंद करना पड़ेगा. चारू अंकल, आपको मैं तो 15 मिनट पहले रिटायर हो चुका हूँ. अब मेरा फैमिली और बिजनेस बस यही है. डैड, अब तुमने कहा था कुछ थोड़ा एक्साइटिंग करो तो. पापा, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. और आप भी जो कुछ भी कर रहे हो सब बंद करो. नहीं नहीं, मैं इस फैमिली का नहीं हूँ. मैं तो पुलिस वाला हूँ. मैं कहाँ से रिटायर, मतलब तो क्या हुआ? सेफ्टी के लिए आप भी बंद कर दीजिए. Have I made myself clear? हाँ, but safety जो है पुलिस देती है ना. Have I made myself clear? Okay, 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 okay. Yeah, 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 yeah. Angelina, Julie, नकली है कि असली है? No, she's my daughter. अच्छा, listen. आज रात को कैथरीन क्या डिनर है? Okay? Don't forget. How can I forget? और वैसे भी आज रात को मैं जल्दी आ जाऊंगा. बाय बाय, गो बाय बाय. माँ तो गीता से सीता बन गई थी. मेरी ट्रेनिंग अभी भी खानदानी थी, बस नौकरी सरकारी हो गई थी. और अभी अभी एंडीमन से खबर आई कि एक रेयर पेंटिंग मार्केट में अवेलेबल हो गई और बेचने वाले का नाम बताया जा रहा है फादर क्रिसमस. गोरियां हाँ, अजी मार गए,
आज सोनिए सोनिए आज सोनिए।